केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से डीसीपी नूरुल हसन की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल नितिन गडकरी ने अपने इस भाषण में डीसीपी नूरुल हसन की ईमानदारी की खूब तारीफें की। जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नूरुल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा अफू चरस गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नूरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनेगार गुनेगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं। ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनेगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए। और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया, उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है, राजनीति की कोई फिक्र नहीं हमको। नितिन गडकरी ने जिस डीसीपी की तारीफ की है, चलिए उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले नूरुल हसन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो हर व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। बरेली के रहने वाले नूरुल हसन ने साल 2015 में ही सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया था। इससे पहले उन्होंने एएमयू से इंजीनियरिंग की और 4 साल नौकरी भी की। आईपीएस में उन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला और बतौर एएसपी उन्हें नांदेड़ में पहली स्वतंत्र पोस्टिंग मिली। यहां उन्होंने अपने कार्यों को बड़ी ईमानदारी से किया। बात करें इनके संघर्ष भरे जीवन की, तो तंगहाली में बचपन गुजारने के बाद भी नूरुल हसन का मन पढ़ाई से नहीं भटका। 12वीं के बाद नूरुल ने आईआईटी से बीटेक करने का फैसला किया, लेकिन उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। तब उनके पिता ने कोचिंग के 35,000 रुपए भरने के लिए गांव में अपनी 1 एकड़ जमीन बेच दी। इससे मिले पैसों के द्वारा नूरुल ने कोचिंग की फीस भरी और पढ़ाई शुरू की। एक इंटरव्यू में नूरुल ने बताया था कि उनके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन देना शुरू कर दिया। ट्यूशन फीस में मिलने वाले पैसों के द्वारा उन्होंने अपने कॉलेज की फीस भरी। यहां से पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। इसके बाद उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की परीक्षा दी और उनका चयन तारापुर सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर हुआ। यहां से सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों छोटे भाई पढ़ाई कर रहे थे और घर की स्थिति भी ठीक हो चली थी, लेकिन उनका मन यहाँ से भी उचट चला और वो यूपीएससी की ओर मुड़ गए। साल 2014 में सिविल सेवा परीक्षा दी और परीक्षा पास करने के साथ ही इंटरव्यू में 190 मार्क्स हासिल कर आईपीएस बन गए। नूरुल हसन का यही मानना है कि व्यक्ति अपने हालातों को शिक्षा के द्वारा ही बदल सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।